हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। लो भाई, आज यार मैं हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो आज वाली ये वीडियो है, ये हिंदी वालों के लिए भी है, बांग्लादेशी, गुजराती सब के लिए है, क्योंकि जो इंडिया से आना चाहते हैं यहाँ पे मलेशिया में, उनके लिए एक मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया लॉन्च की है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो अभी। ये वाली साइट, जितनी भी साइट है, सब साइट्स को, वेबसाइट को मिक्स करके एक साइट बनाई गई है। और इस साइट के लिए इन्होंने क्या किया हुआ कि जितना भी, चलिए डाटा तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इन्होंने, क्या कर नहीं करना है। और इसमें काफ़ी खूबियां हैं, काफ़ी कमियां हैं, वो तो चलो आते आते समय जैसे जैसे आता रहेगा हम आपके लिए बताते रहेंगे आपको कैसे, कौन सी इसमें अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। और टिकटॉक में भी हम आपको बताते रहेंगे अगर आपका ऐसे ही साथ रहा तो। ओके, तो ऐसा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, पर यहाँ पे देखना शुरू हो जाऊँगा तो फिर आपने ये नहीं सोचना है कि आप दूसरी तरफ देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और स्क्रीन के ऊपर ही आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा लाइव, और जो जो मेरे को यहाँ पे पता चलती रहेगी मैं आपको वैसे ही बताता रहूँगा। ईजी रहेगा, मेरे भी याद रहेगा, आपको भी पता चलता रहेगा कि हाँ यार ये वाला अच्छा आइडिया है। अगर आइडिया अच्छा लगे तो भाई पता ही है ना। हाँ, एक सेकंड। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जब हमने इमिग्रेशन मलेशिया ने जो साइट लॉन्च की है उसके बारे में आ चुका है 8 अक्टूबर, और आज हो चुकी है जी 9 अक्टूबर है, कल को हम वीडियो लॉन्च कर देंगे 10 तारीख को। और ये वाली आप देख रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग टूडे मलेशिया फॉरनर कैन अप्लाई एंट्री और एग्जिट कंट्री ड्यूरिंग रिकवरी मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर माई ट्रेवल पास। अब इसके बारे में आगे चल के आपको बताते हैं फुल इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है हमको, हम दे सकते हैं। और इमिग्रेशन के डायरेक्टर जनरल दत्तू खैरल दजीमी दाऊद साहिब, बहुत खतरनाक नेम है भाई। ओके, इफ ए पर्सन नीड टू एंटर और लीव मलेशिया ऑन 10th डे, मतलब कि अगर आप आना चाहते हैं तो भाई आप ये कम से कम 10 दिन पहले आप एंट्री करवा के रखिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। और ये किन किन के लिए है ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। जैसे RGL ये होगा सिंगापुर वालों के लिए होता है, जब मलेशिया वाले जो जोहर बारू बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उन्होंने आना है जाना है, ये उनके लिए होती है RGL। और बाकी स्पाउस वीज़ा ये हो गया, MM2H तो बहुत कम होते हैं, जो तो हम आगे चल के बात करेंगे। एप्लीकेशन विल बी मेड ईजी बट अप्रूवल इज नॉट ग्रंटेड। वाओ, इसमें लिखा है भाई इन्होंने, एप्लीकेशन आपको ईजी आसानी से आप फिल कर सकते हैं, पर एंट्री देना या ना देना वो इमिग्रेशन वालों के हाथ में है। ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिल की तसल्ली के लिए इन्होंने एप्लीकेशन बना दी है कि भाई आपकी सबमिट हो गई है, उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, और कोई मसला नहीं है। सबसे पहले जी आपने खोलना है गूगल, चाहे अपना मोबाइल हो आपका या आपका लैपटॉप हो कोई भी, सबसे पहले माई ट्रैवल पास इमिग्रेशन मलेशिया, और ये आपकी कोई भी साइट खुल जाएगी। जैसे अभी सारी की सारी ये ओरिजिनल ही है, अभी इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी है, आने वाले समय का तो पता नहीं है क्या होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। ओके, तो अभी आप किसी के ऊपर भी क्लिक करो, और क्लिक करके आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएगा। आपने इसी बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो एंड के ऊपर है ना होम पेज, ये तो आपने पढ़ लेना, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं भाई कोई इतना फायदा नहीं, मैं आज सब कुछ आपको बता दूंगा, आपने बस सिर्फ टाइपिंग करनी है और अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ईजी तरीका है। ओके, तो यहाँ पे जो है होम पेज, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, बाकी की बातें हम बताते रहेंगे, जुड़े रहिएगा वीडियो में, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले एक इन्होंने बनाया हुआ रेस्पिरोकल ग्रीन लेन है, ये सिंगापुर वालों के लिए, भाइयों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। जो सिंगापुर में बैठे हैं या सिंगापुर से मलेशिया आना चाहते हैं
उनके लिए है ये वाला ऑप्शन, पहले वाला। इसके लिए मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे भी चलते हैं। लो जी, सिंगापुर वालों के लिए इन्होंने दिया हुआ सिंगल एंट्री, जितनी भी है ये 14 डे के लिए ही देंगे आपको। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, इजी तरीका रहेगा, जिसके ऊपर भी आप एलिजिबल हैं आप उसको अपने हिसाब से माइंड के अंदर डाल के रख लीजिएगा। ये नहीं है कि आपने सोचना है कि भाई मेरे लिए ये काम नहीं, आप स्किप कर दो। हो सकता है कि ये वाली आज नहीं हो, कल को आने वाले समय में आपके काम की हो, हो सकता है। आज आप सिंगापुर नहीं हो, हो सकता है आने वाले आप समय में सिंगापुर हो, तब आपको इस वेबसाइट की जरूरत पड़ सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये वाली आपको जो साइट है माई सहज यात्रा एप्लीकेशन है, ये वाली रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा आपने। और आगे है जी आपका लेटर ऑफ इनविटेशंस, जो एप्लीकेशन आपकी कंपनी ने या गवर्नमेंट एजेंसी ने डाली हुई है वो वाली। माई ट्रेवल पास में आपने ये 10 दिन पहले, एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जब भी आपने मलेशिया आना हो 10 दिन पहले आपने पहले अप्लाई कर देना है। ये वाला इजी है और याद रखिएगा। आपके पास चाहिए जी लेटर इनविटेशन, पासपोर्ट की कॉपी, बिजनेस का जो भी इनविटेशन होगा, प्रोग्राम उसका जो होगा, और 24 आवर्स सबसे पहले ये आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए वाया मेल, आपको मेल आएगी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं तो मलेशिया की सरकार आपका ट्रीटमेंट करेगी, और अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो भाई जो उनका रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो इनका पे है वो आपको करना पड़ेगा। तो ट्रेवल नॉट रिकॉर्ड टू अंडरटेक अ प्री रिटर्न, जो पहले आ चुके हैं या जा चुके हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है, और जो अभी स्टार्टिंग में नए हैं और उसके लिए है जो ज़रूरत है। एग्री टू प्रोसीड, इसके बाद ये वाला आपने बटन पर क्लिक कर देना है। हाँ जी, जो भाई सिंगापुर में बैठे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं, ये देखिए एक RGL 0 लिखा हुआ है, PCL 1998 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके लिए 0 वैकेंसी है। मतलब कि अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं 25 या 26 को लेके जाते हैं तो यहाँ पे 212 आ गए। अभी ये लेफ्ट पड़े एबीएबल कोटा, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ इतने ही आदमी एंटर हो सकते हैं इतनी डेट को, 26 अक्टूबर को, हाँ अक्टूबर को, और उसके बाद चलिए मान लेते हैं हम आगे महीने का देखते हैं, ये 15 तारीख तक ही इन्होंने अपॉइंटमेंट रखी हुई है, उससे बाद नहीं है, उसके बाद इन्होंने ग्रे किया हुआ है। तो ये देखिए 387 हो गए, और 15 तारीख को है 398, और PCA 2000। ये RGL PCA क्या होता है ये हम आगे चल के आपको बताते हैं। और ये अपने ROC का नंबर लेना है, देना है, एप्लीकेशन कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, ये देखिए 4 है 5 है, जितने भी हैं आपने इसमें डाल देने हैं, और उसके बाद उनके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाले हैं, लेटर ऑफ इनविटेशन ये वो जो भी है लटरम पटरम करके, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि हाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो वाली सच्ची है, कोई उसमें झूठ नहीं बोला है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, बस बात ख़त्म। चलिए अब हम नए स्टेप की तरफ चलते हैं। नया स्टेप है जी प्री कम्यूनिंग, ये वही वाला है PCA वाला जो आपको सिंगापुर वाला बता चुका हूँ पहले ही। सेम प्रोसेस है, री एंट्री मलेशिया, प्री एंट्री मलेशिया 7 डे आपको रहना पड़ेगा होम क्वार्टिन में। ये सारी की सारी वो पहली वाली बातें हैं, सेम वही प्रोसेस सिंगापुर वाला। ये सारे के सारे सिंगापुर सिटीजन है, मलेशियन सिटीजन है, उनके लिए है जो जौहर बारू में है, ताकि उनको आने जाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ये उसके लिए बनाया गया है। अभी भी बहुत कुछ बताने को आगे बाकी है भाई। और उसके बाद है जी जो स्पाउस वीज़ा, अब है इंडिया वालों की बारी, या पाकिस्तान या बांग्लादेश नेपाल जो भी है, ये उनके लिए है ये स्पाउस वीज़ा। अच्छा एक बात मैं फिर भी कंफर्म कर देता हूँ, ये उनके लिए है ये वाली अभी एंट्री, जिनके पास DP-10 वीज़ा है, जिनके पास MM-2H वीज़ा है, जिनके पास स्पाउस वीज़ा है, जिनके पास हाउसमेड वीज़ा है, जो एक्सपेट्रिएट जिसको बोलते हैं ना, DP-10 वीज़े वालों को ही ज़्यादा यहाँ पे अभी मान्यता दी गई है, जो छोटे वीज़े वाले हैं उनको एंट्री नहीं दी गई है। और जो हाउसमेड है, हाउसमेड भी जो लोकल हैं उनकी नहीं आ सकती है, जो DP-10 वीज़ा वाली है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेट्रिएट या बोलते हैं प्रोफेशनल परमिट, उनकी हाउसमेड यहाँ पे आ सकती है एज पर लॉ। ये स्पाउस वीज़ा वालों के लिए, जो वाइफ या हस्बैंड इंडिया में है उनके लिए है। तो इनके लिए सबसे पहले फार्म आपको चाहिए, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
इनको चाहिए जी आपकी पीआर, या आपने शादी की है मलेशिया से या मलेशियन से, या डिपेंडेंट वीज़ा है, या जो भी है उसकी एक कॉपी चाहिए, एक फॉरेनर जो भी है उसका जो पहले वीज़ा लगा हुआ है उसकी कॉपी चाहिए, और इसको mahesayatra.com में वो एप्लीकेशन वाली में उसमें एप्लीकेशन में करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और COVID-19 का टेस्ट कंपलसरी है मलेशिया में, और 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी यहाँ पे आने के बाद आपका कंपलसरी है, यहाँ पे लिखा हुआ ही आप देख सकते हैं। इन्होंने 5 चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगी हुई है, एक पासपोर्ट, एक आपका वीज़ा, मैरिज सर्टिफिकेट, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है कोई भी है, हाई कमीशन से इंडिया से पाकिस्तान से कोई भी है वहाँ से, और बच्चों का जो भी होगा बायोडाटा पेज, जैसे कि पाकिस्तान वालों का फर्स्ट पेज होता है और इंडिया वालों के लिए फर्स्ट और लास्ट दोनों होते हैं, और कोई भी आपका जो कार्ड होता है जिसको जलन कार्ड बोल देते हैं, गोल्ड कार्ड बोल देते हैं, वो वाला यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। आपको अप्रूवल होगी जहाँ आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपको बाय मेल पे बता दिया जाएगा, A to Z सब की सारी आपको जितनी भी बात होगी मेल पे हो जाएगी। और KLI 1 हो या KLI 2 हो, कहीं भी हो, वहाँ पे आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के हिसाब से। अच्छे हैं भाई मलेशिया में बैठे हैं, नहीं तो फिर इंडिया दे विच रहसवत करें, माँ दे हथां दियां पक्कियां रोटियां खाने को बड़ा ही चित करता, खाओ हुण होर खाओ रोटियां। ओके जी, तो नेक्स्ट लेवल आप पे चलते हैं, अभी चलते चलिए माई एंट्री एक्सपेट्रिएट वीज़ा के लिए। इसमें क्या है कि ये ले जाता है एक नए पेज के ऊपर, ये पहले वाली को रीडायरेक्ट करके नए पेज पे ले जाता है। अगर आपके पास पहले वीज़ा है और एंट्री करवा ली है आपने, तो यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और उसके बाद आपने ये अपनी डिटेल दे देनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी डेजिनेशन है वो आप अपने हिसाब से देते रहिएगा। जो भी बंदा प्रोफेशनल परमिट लेगा वो कोई अनपढ़ तो होगा नहीं, ठीक है ना, लेबर जॉब का तो उसके पास होगा नहीं, तो रीड कर सकता है भाई उसको और स्टडी भी कर सकता है। बस मैं आपको मोटे मोटे ये फॉर्म दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। इजी है, बाय मेल आपको इसकी भी मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी, इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जी अब है MM2H वालों की बारी, ये आपको ले जाएगा डायरेक्ट आपकी इमिग्रेशन की ओरिजिनल साइट के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई नॉलेज अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। पसंद आई तो भाई लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी हो सकता है इसका फ़ायदा उठाने के लिए थोड़ा सा अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए। ओके जी, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।